तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग सबसे पहले जेडी मैकडोना के बारे में बात करते हुए। तो बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि जेडी जो है वो जेडी में जा सकते हैं, यानी कि जेडी मैकडोना जेडी यानी कि जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकता है। इसकी जो इनिशियल्स है हमें देखने को मिल चुकी है, ये कोशिश कर रहे हैं जजमेंट डे में जाने की, हालांकि प्रॉपर्ली गए नहीं है लेकिन अभी पता तो चल चुका है। कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की रिया रिप्ली एंड डायमंड प्रिस्ट वगैरह को। तो ऐसे में क्या होगा आगे वो तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने एक ट्वीट किया था इसके ऊपर, रिया रिप्ली का रिस्पॉन्स है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ट्वीट करते हैं, लिखते हैं डोंट ओवर थिंक इट, तो फैंस को कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ये मंडे नाइट रॉ से फोटो पोस्ट करते हुए। तो ये बेसिकली जो है फैंस को कह रहे हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो होना होगा होगा। इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया रिया रिप्ली का, बट कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, आप देख सकते होगे। रिया रिप्ली सेट अप कहती हैं, बीच में कुछ और भी लिखा है जो कि आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर रिया रिप्ली खुश तो बिल्कुल भी नहीं है जेडी मैकडोना से, ये कुछ इनके रिएक्शन से पता चलता है। अब ये क्या इनको चाहती हैं जजमेंट डे के अंदर या फिर नहीं, ये भी बिल्कुल पता चल रहा है कि ये नहीं चाह रही हैं, लेकिन अभी किस तरीके से स्टोरी आगे जाएगी उसी हिसाब से पता लगेगा कि एक्चुअली में चाहती हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी को कवर करते हैं, जो कि अपने ये जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने शायद गंथर को एक्नॉलेज कर लिया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। गंथर काफ़ी क्लोज है लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के लिए, एंड ऐसे में कई सारे लोग उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो जॉन सीना उनमें से एक हैं। जॉन सीना की तरफ से हमेशा क्रिप्टिक पोस्ट आते रहती है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये एक और क्रिप्टिक पोस्ट है जॉन सीना की तरफ से विदाउट एनी कैप्शन। गंथर की फोटो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, एंड फैंस इसको काफ़ी अब लाइक वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो गंथर को ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, ऊपर से जॉन सीना ने पोस्ट कर दिया, तो यहाँ पर डबल डबल चीज़ें हो गई। तो जॉन सीना कुछ ये पोस्ट करते हैं गंथर से रिलेटेड, एंड जॉन सीना भी लग तो रहा है कि वो देखना चाहते हैं गंथर को रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए। एक महीने के अंदर हारने तो वाले हैं नहीं गंथर, तो ऑब्वियसली ये जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक करेंगे एंड बनेंगे WWE के लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। कमाल की रेन रही है अभी तक इनकी, आपके हिसाब से क्या प्रोज एंड क्या कौन से इनके रेन, क्या आप लोग चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हमारी जुड़ी हुई है गाइस सेमी जेन को लेके। तो सेमी जेन की एक फ्यूड चली थी जॉनी नॉक्सविल से, आपको याद होगा, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूड थी, काफ़ी सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ WWE ने यहाँ पे यूज़ करे थे, एंड कई बार हमने देखा कि भाई मतलब सेमी जेन का एक नंबर भी लीक हो गया था शायद, अब पता नहीं वो ऑफिशियल था या फिर नहीं था, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, हमसे तो होता भी नहीं। साथ में शायद प्लेन व्लेन पर कुछ ऐसा चल, बहुत सारी चीज़ें हुई थी भाई कमाल की इस फ्यूड के अंदर, तो फैंस ने इसको पसंद भी किया था। इवन जो मैच भी था रेसलमेनिया 38 के अंदर उसको भी फैंस ने पसंद किया था, अच्छा मैच था। शायद ये चीज वापस से हो सकती है, एक और मैच इनका हो सकता है। रायन सैटिन के पॉडकास्ट पे, आउट ऑफ कैरेक्टर वाले पॉडकास्ट पे बात करते हैं सेमी जेन इसके बारे में, एंड वो कहते हैं कि देखो मुझे लगता है कि सारी चीजें सही हुई जॉनी नॉक्सविल के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एक है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो मतलब ऐसे बच सा रहा है ऐसा लगता है सेमी जेन को। तो ये क्या बच रहा है, ये ऑब्वियसली एक और मैच है जो कि बच रहा है, अब क्या ये आगे होगा, मे बी हो सकता है, क्योंकि सेमी जेन को ऐसा ही लगता है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सुपरस्टार स्पेक्टेकल के बारे में, जो कि इंडिया में होने वाला 8 सितंबर को। इसके बारे में बात करते हैं भाई, इसका टिकट स्टेटस क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है। मैं आपको बता दूं कि जो टिकट सेल्स है वही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पहले जो है वो 3 स्पॉट्स या 3 जो भी थे वो खाली थे, 3 जगह खाली थे, अभी जो है 2 स्पॉट्स बचे हुए हैं जो कि फिल होने बाकी हैं, एंड 5,000 रुपये वाले जो स्पॉट्स हैं वो बचे हुए हैं जो कि फास्ट फिलिंग दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, एंड 7,500 वाले अवेलेबल हैं जो कि अभी नहीं बिके अच्छे खासे, इससे पहले 12,000 वाले थे वो बिक चुके हैं। तो ये 2 स्पॉट्स हैं ये बचे हुए हैं, अभी कितने दिन में बिकेंगे वो देखना होगा, लगभग मुश्किल से 20 दिन बाकी होंगे इवेंट को, अभी देखते हैं कि ये सोल्ड आउट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि रोमन रेंस को लेके। तो रोमन रेंस बहुत टाइम से एक मल्टीपर्सन मैच के अंदर देखने को नहीं मिले, काफ़ी टाइम हो गया रोमन रेंस को हमने नहीं देखा एक मल्टीपर्सन मैच के अंदर। किसी को अगर याद है कि आखिरी बार रोमन एक मल्टीपर्सन मैच में कब थे तो कमेंट करके बताना। मल्टीपर्सन मैच से मेरा मतलब टैग टीम मैच नहीं है, वो तो एक अलग मैच होगा, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा मैच जहाँ पे कि रोमन अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल थ्रेट मैच हो या फिर फेटल 4 पे हो। तो ऐसा मैच काफ़ी टाइम से रोमन का नहीं हुआ है, बट अब हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है तो अब हो सकता है, यही एक लॉजिक है। एंड ये कब होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से रॉयल रंबल तक हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी जो है वहाँ तक तो रोमन के साथ जाएगी आई थिंक, एंड रेसलमेनिया में मे बी कोडी रोड्स होंगे, अगर कोडी नहीं होते हैं तो क्या पता रॉक हो। तो मुझे लगता है कि एक मल्टीपर्सन मैच रोमन का बनता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जिमी जे इनके अगेंस्ट ही होगा। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए फिलहाल यही अपडेट्स है, लाइक से सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।